दोस्तों आज तारीख 16 जून 2024 दिन संडे रविवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और सीएम योगी बोले कि हर परियोजना के लिए नियुक्त करें नोडल अधिकारी। अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए भी सख्त निर्देश दिए। और वहीं देखिए दोस्तों बकरीद के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने भी सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि बकरीद पर गोवंश के वध को रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाएं, खुफिया तरीके से नजर रखी जाएगी। फिरोजाबाद में इस्लामिक सेंटर ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि खुले में कुर्बानी ना करें और सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो भी नहीं डाले जाएं। वैसे आपको बता दूं 17 जून को कल बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा देश भर में। मौलाना फरंगी महली ने इस बात की घोषणा भी की है और 17 जून को ईद उल अजहा की नमाज का वक्त क्या रहेगा ये भी देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त तबादला लेने वाले शिक्षक समान वेतन और प्रोन्नति के हकदार नहीं है, ऐसे शिक्षक दोहरा लाभ नहीं ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। और वहीं देखिए यूपी में सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया, वाहनों से तत्काल उतरवाएं प्रेशर होल्ड, नहीं बजने चाहिए किसी भी प्रकार के हुटर भी ताकि लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण ना हो, है ना। और वहीं खबर आ रही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है, खास करके बैकडोर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी करने की तैयारी की जानी, 2 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली देने बढ़ सकती है। शहरी क्षेत्र के ग्रामीण फीडर का दर्जा समाप्त होगा और बिजली बिल की रेट फिर शहरी दर से लागू होगी, है ना। तो ये नया नियम लागू होने के बाद 100 यूनिट बिजली खर्च पर आपका 215 रुपए तक बिल बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग यूनिट रेट लगती है ना। तो अभी तक ये आदेश जारी तो नहीं हुआ लेकिन बैठक में ये प्लान बनाया गया उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो हो सकता है जल्दी ये नया बिजली यूनिट लागू हो। और वहीं देखिए दोस्तों गाजियाबाद में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और उसके बाद धमाके पर धमाके, 3 फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई, आसपास की 12 फैक्ट्रियों को और खाली कराया गया। आग की भयानकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आग बुझाने वाली दमकल की 18 गाड़ियां 100 फेरे लगा चुकी हैं, उसके बावजूद अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। और ये आग कब से लग रही है, शनिवार सुबह 9 बजे से ही भीषण आग लग रही है। वो तो गनीमत रही दोस्तों की इस फैक्ट्री में जहाँ आग लगी 50 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन आग लगते ही वो बाहर आकर जान बचाकर भागे, वरना बहुत बड़ा जनहानि का नुकसान भी हो सकता था। ये देख सकते हैं आप भयावहता की तस्वीरें, कितना विकराल रूप ले चुकी है आग। चलिए अगली खबर देखिए, अयोध्या में 3900 किलो की गदा लगेगी, राजस्थान के 20 कारीगरों ने 75 दिन में तैयार किया और प्रभु श्री राम का धनुष बाण तारों में भी फंस गया लाते समय, इसलिए इसे थोड़ा छोटा किया जाएगा। ये धनुष बाण भी कितना विशाल है देख सकते हैं आप और गदा भी कितनी विशाल है। चलिए खबर है यूपी की 13 नदियों में प्रदूषण पर एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, गंगा आचमन लायक नहीं रही, गोमती और हिंडन पशुओं के लिए भी जहरीली हुई, काली कैंसर का घर बन चुकी है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। यूपी जो की 31 नदियों का घर है लेकिन नदियों का प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए खबर है लोकसभा चुनाव के बाद अब बसपा की पहली बैठक होने जा रही है, 23 जून को सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को बुलाया, हालांकि आकाश आनंद इसमें मौजूद नहीं रहेंगे। और देखिए बड़ी खबर, आगरा में एक ही दिन में 56 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, वेरिफिकेशन के नाम पर इन पुलिस कर्मियों ने 500 से 1000 रुपए वसूले थे, कमिश्नर ने फोन करके पता लगाया तो बात सही निकली, अब एक्शन में आगरा पुलिस। और खबर है लखनऊ में पसमांदा मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि सऊदी अरब में हज कमेटी ऑफ इंडिया कर रहा हाजियों की अनदेखी, ये आरोप लगाए उन्होंने। और एक अनोखी कलाकारी देखिए जरा दोस्तों, 15 किलोमीटर लंबे धागे से मोदी की तस्वीर बनाई और ये अनोखी आर्ट का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। लखनऊ के कलाकार ने 45 किलो धागे का इस्तेमाल किया और ये धागे की कुल लंबाई 15 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी है, देवाशीष इनका नाम है, इन्होंने कई आर्ट वर्क में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। मेनी मेनी कांग्रेट्स देवाशीष को ब्राइट फ्यूचर के लिए। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। तो देखिए कानपुर न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश का भी सबसे गर्म शहर बन चुका है, हालांकि उत्तर प्रदेश वासियों को 18 जून से थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी, बाकी अभी तो भयंकर गर्मी चल रही है। कुछ हालात देखिए आप, लखनऊ में गर्मी ने तोड़ा 7 सालों का रिकॉर्ड, आज भी 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वाराणसी में भी गर्मी से एक महिला पर्यटक समेत 3 लोगों की जान चली गई। शाम 4 बजे भी प्रयागराज में 45 और गोरखपुर में 42 डिग्री तक पारा चल रहा है। गोरखपुर में अभी 5 दिन और कहर बरपाएगी गर्मी, 16 से 18 जून तक आसमान से मानो आग बरसेगी, फिर 19 से 21 जून तक बारिश की उम्मीद है। वाराणसी में भी गर्मी से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हुई है और 15 दिन के अंदर अंदर 37 लोगों ने जान गंवाई, जरा सोचिए गर्मी का कहर कितना है। बरेली में आज भी तापमान 45 डिग्री चल रहा है। अयोध्या में भी गर्मी ने 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 14 जून सबसे गर्म दिन रहा हालांकि। तो कुल मिलाकर यूपी वासियों को 18 तारीख के बाद थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम के बाद कुछ और खबरों में। देखिए खबर है कि सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नहीं हुई मुलाकात, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर होनी थी चर्चा लेकिन फिलहाल तो नहीं हो पाई,
आई। हालांकि अभी मीडिया रिपोर्ट सीएम के आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी जल्द ही मिलेंगे। मोहन भागवत बोले कि हर गांव में शाखा लगानी है, 2025 तक ऐसा कोई गांव नहीं बचना चाहिए जहां आरएसएस ना पहुंचे। योगी भागवत की मीटिंग में और क्या बड़ी बातें होती है मैं आपको बता दूंगा अपडेट जैसे ही सामने आएगा। फिलहाल देखिए बड़ी अच्छी खबर, यूपी के इन 21 गांवों में किसानों की बदलेगी किस्मत। योगी सरकार खरीदेगी जमीन और करोड़ों का मुआवजा भी दिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित ग्रेटर नोएडा में योगी सरकार 21 गांवों की जमीनें अधिग्रहित करने का फैसला किए हैं। यहां पर डेवलपमेंट वगैरह किया जाएगा, औद्योगिक विकास किया जाएगा। तो ये जो गांव की लिस्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इन गांवों की जमीन को एक्वायर करेगी योगी सरकार। वहीं देखिए गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने भालू को खिलाई आइसक्रीम, इनका एक वीडियो भी सामने आ रहा देख सकते हैं आप। गुजरात से आए बब्बर शेर शेरनी को भी गोरखपुर चिड़ियाघर में छोड़ा गया। और सीएम योगी ने गोरखपुर में निर्माण कार्यों को भी जायजा लेते हुए गुणवत्ता और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव बाद एक्शन मोड में देखे सीएम योगी, गोरखपुर में निर्माण कार्यों का जायजा लिया और बोले कि समय से काम पूरा करें, क्वालिटी से समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोर लेन और नाला निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया सीएम ने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण और तस्करी के खिलाफ भी चलाया जाएगा अभियान, योगी सरकार का सख्त आदेश जारी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करें, उनके सुझावों पर एक्शन लें। सीएम योगी ने बड़े अफसरों को यह निर्देश दिया। इतना ही नहीं, दो सप्ताह के अंदर अंदर लापरवाह अफसरों की भी रिपोर्ट मांगी है, पूरे प्रशासन में हड़कंप सा मच गया। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और मुआवजा देने के काम में भी तेजी लाई जाए। वहीं गोरखपुर के अलावा बलिया में भी सीएम योगी पहुंचे देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली यहां बांसडीह की विधायक, विकास कार्यों को लेकर सीएम के साथ बातचीत हुई और कई सड़कों के निर्माण के लिए भी विधायक ने अपील की है। बरेली में सिटीज 2.0 योजना में भी अब संवरेंगे शहर के सभी 80 वार्ड, 140 करोड़ रुपए के बजट से विकास कार्य भी आयोजित किए जाएंगे। मंडलायुक्त की अध्यक्षता की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में राजस्व संबंधित मामलों के निपटारे में भी लापरवाही पर सीएम योगी ने सख्त आदेश दिया, लापरवाह अफसरों की रिपोर्ट भी तलब की। चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़ेंगे, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़े खबरों में। देखिए उत्तराखंड में हुए हादसे पर भी सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों की टीम एक रुद्रप्रयाग भी रवाना हुई यूपी से। आपको बताऊंगा उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे धाम पर अलकनंदा नदी में एक ट्रेवलर बस गिर गई, जिसमें अभी तक 14 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ये ट्रेवलर सड़क से फिसलकर 660 फीट नीचे गहरी खाई में अलकनंदा नदी में जा गिरा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, 660 फीट गहराई कितनी ज्यादा है, इतनी ऊंचाई से ट्रेवलर बस गिर गई है। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन आयोजित किया गया, हालांकि फिर भी 14 लोगों की जान चली गई और वजह बताई जा रही है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, इसलिए ये बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे पर अब पीएमओ ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मुआवजे के रूप में मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान किया है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इटली दौरे पर गए हुए थे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए, वो वहां भाग लेने के बाद अब वापस दिल्ली लौट चुके हैं और वहां प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। और अब पीएम मोदी 18 जून को परसों वाराणसी का दौरा करेंगे और यहां किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और यहीं से देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी के इटली दौरे के दौरान वहां की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम के साथ एक सेल्फी ली और उसका एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। हो सकता है आपने भी ये वीडियो देखा होगा, हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम, सेल्फी लेते दौरान मेलोनी ने ये बात कही और ये सेल्फी दुनिया भर में वायरल हो गई। 2 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिले इस पोस्ट को, 64,000 से ज्यादा लोगों ने रीपोस्ट किया। मेलोडी ने जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर ट्विटर पर डाला, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ये देख सकते हैं आप वीडियो भी, हाय फ्रेंड #मेलोडी, देखो दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के इस इटली दौरे के दौरान G20 के एक खास प्लान पर भी G7 समिट में मुहर लगी, ये भारतीय लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा और वो प्लान है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उस पर G7 समिट में भी सहमति बनी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 16, 17 और 18 जून को बैंकों में छुट्टी रहेगी, जल्दी आप भी बैंक से जुड़े काम निपटा लें। वजह यह कि अभी जो आज तो संडे हो गया, फिर कल 17 तारीख को और परसों 18 को कई जगहों पर बकरीद का त्यौहार भी मनाया जाएगा। अधिकतर जगहों पर 17 को रहेगा, बाकी 18 को भी बकरीद की वजह से कुछ कुछ राज्यों में छुट्टियां रहेगी, तो इस वजह से बैंकों की हॉलीडे रहेगी, है ना। चलिए अगली खबर है, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी, सरकार लाने जा रही डिजिटल इंडिया बिल और इस डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी भी मिल चुकी है पहले ही कैबिनेट से, तो जल्दी हमारे देश में यह नया बिल लागू होगा, टेक्नोलॉजी को लेकर देख सकते हैं ज्यादा जानकारी भी आप, है ना। और रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर देखिए आप, 2 महीने में पटरियों पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया, उन्होंने कहा कि रेलवे में भी 100 दिनों का एजेंडा बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी आपको वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी पटरियों पर देखने मिलेगी। और दोस्तों नौकरियों को लेकर युवाओं के लिए एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, अगले 5 साल में हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग दुगनी हो जाएगी और इस सेक्टर में 50 लाख से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर वगैरह भी अब भारत में बनने लगे हैं, तो काफी अच्छा मार्केट कैप्चर करेगा इंडिया। और एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत
चीन का तनाव इकोनॉमी को भी 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान दिया और 1 लाख लोगों का रोजगार भी छीना। इंडिया के एक्सपोर्ट पर भी आंकड़ा आ रहा कि भारत का निर्यात 9% बढ़कर 38.13 अरब डॉलर पहुंचा। हालांकि व्यापार घाटा 7 महीने के सबसे शीर्ष स्थल पर चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप भी कार खरीदने की सोच रहे तो आपको बता दूं, टाटा नेक्सॉन पर अभी 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही कंपनी। और आज के स्पेशल दिन पर भी एक खबर देखिए, आप 16 जून को फादर्स डे स्पेशल है, आप सभी के लिए भी हैप्पी फादर्स डे। आप अपने अपने पिता को जरूर विश कीजिएगा। दोस्तों, एक पिता की और एक माँ की भूमिका भगवान से भी बड़ी होती है। मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। वाकई में दोस्तों, एक बाप जो होता है ना, पिता, वो एक धूप में जलते पेड़ की तरह होता है, जो खुद तो धूप सहता है लेकिन अपने बच्चे बच्चों अपने परिवार वालों को हमेशा छांव में रखने की कोशिश करता है। यही तो पिता की महानता होती है। और इसलिए फादर्स डे के इस अवसर पर कुछ और अनमोल विचार देख लीजिएगा। परिवार के चेहरे पर ये जो मुस्कान हंसती है, पिता ही है जिसमें सबकी जान बसती है। और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज गंगा दशहरा भी है, तो आप भी सूर्य पूजा वगैरह जरूर करें क्योंकि कई खास योग बन रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के गठन के बाद पहली बार पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया गया और ये नई दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं। कितना घटाया तो देखिए, 5,200 प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 3,250 प्रति मीट्रिक टन कर दिया। और सरकार का ये भी कहना कि डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर मिलने वाली छूट बरकरार रहेगी। आम आदमियों के लिए, देशवासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, सस्ती होगी दवाइयां। एनपीपीए की 124वीं बैठक में सरकार ने तय किए 54 दवाओं के दाम। और इन दवाओं में शामिल है दोस्तों डायबिटीज, हार्ट अटैक, एंटीबायोटिक, विटामिन डी, कैल्शियम, कान की दवा समेत कई तरह की दवाइयां शामिल है जो अब आपको बहुत ही सस्ती मिलेगी। और इससे सबसे बड़ी राहत हार्ट अटैक और डायबिटीज के मरीजों को मिलेगी क्योंकि उनके तो रेगुलर दवाइयां चलती रहती हैं। हालांकि दोस्तों, दवाओं के दाम घटाने का ये फैसला तो एनपीपीए ने ऑलरेडी पहले ही ले लिया था, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने, लेकिन सरकार ने अब इस फैसले पर मुहर भी लगा दी है तो ये कंफर्म हो चुका है। और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। एक्सिस बैंक में एफडी कराने पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, अधिकतम 7.85% की इंटरेस्ट रेट भी दे रहा एक्सिस बैंक। और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी की रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। और बैंक लोन पर भी बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया, लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी है। और इस बढ़ोतरी के बाद आपके लोन की जो हर महीने की ईएमआई आती है ना किस्त, वो भी महंगी हो जाएगी। देख सकते हैं आप एमसीएलआर में कितनी बढ़ोतरी की है अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, है ना। और वहीं पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए भी एक अपडेट आ रहा, एयरपोर्ट लाउंज के नियम बदल दिए हैं पीएनबी ने। 1 जुलाई से ये कुछ नया रूल वगैरह लागू होगा, रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए स्पेशली ये अपडेट है, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब आपको अपने मोबाइल पर ही सामने से किसी का फोन आ रहा होगा तो हर कॉलर का नाम और आईडी प्रूफ वगैरह दिख जाएंगे। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर आईडी डिस्प्ले सर्विस भी शुरू की है, मुंबई और हरियाणा में इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। और जल्दी आपको जैसे ट्रू कॉलर पर किसी का नाम पता चलता है वैसे ऑफिशियली नाम पता चल जाएगा। ट्राई की तरफ से ये नया प्लान बनाया जा रहा है फ्रॉड वगैरह पर रोक लगाने के लिए, है ना। और बड़ी खबर देखिए, 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रशिक्षण में करें शामिल। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्य मंत्रालयों और विभागों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 1 जुलाई से ये नए कानून लागू होंगे। वहीं नीट पेपर लीक विवाद पर भी बड़ी खबर देखिए, वामपंथी छात्र संगठन आईसा ने भी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। और अब नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई तो अब अगले महीने 8 जुलाई को होनी है, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक याचिका दायर की गई। अब देखते हैं सीबीआई जांच की मांग पर आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। ये 4थी याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। 20 स्टूडेंट ने कहा कि या तो परीक्षा को रद्द किया जाए या इसकी जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। इधर नीट पेपर लीक मामले पर ईओयू ने भी 9 कैंडिडेट्स को नोटिस भेजा है। अब इनके पेरेंट्स से, माता पिता से भी पूछताछ होगी। बिहार में 14 और गुजरात में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया नीट फर्जीवाड़े के मामले पर। और देखिए बिजनेसमैन विवेक बिंद्रा भी अब स्टूडेंट का पक्ष लेते हुए इस पर बयान दिए कि 14 जून को रिजल्ट आने वाला था लेकिन 10 दिन पहले 4 जून को ही क्यों आया, ये इनका सबसे बड़ा सवाल है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।